जो है नहले पे दहला जब खेल रहे थे तब दिमाग में नहीं आया कि कैसे देंगे, आज जब रोजगार लेने की बात आई तब कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लगाएंगे। तो ये दुभाषीय बात जो है, ये दोहरी, ये दोगली नीति जो है, ये अपने आप में जो है कंट्रोवर्शियल नीति जो है, जनता को सब समझ में आ रहा है। और जो आंदोलन का जो बात कर रहे हैं, सरकार में लोकतंत्र में अधिकार है किसी भी समाज को, किसी भी संगठन को, हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि हम जो है शांतिपूर्ण ढंग से कहीं भी अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। शिक्षक और सरकार के बीच लड़ाई लंबे समय से जारी है। बता दें कि नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को लेकर लगातार शिक्षक जो है सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की ओर से विधानमंडल के सत्र के दौरान जो है 13 जुलाई को विधानसभा मार्च का जो है निकालने का ऐलान किया गया है। हालांकि सरकार के द्वारा कोई भी आंदोलन हो उसे रोकने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी MLC जीवन कुमार। कैसे देख रहे हैं सर इस आंदोलन को, क्या लगता है सरकार जो कोशिश कर रही है रोकने में सफल हो पाएगी? देखिए, पहले हम बता दें आपको कि ये झगड़ा नहीं है। और जो आंदोलन का जो बात कर रहे हैं, सरकार में लोकतंत्र में अधिकार है किसी भी समाज को, किसी भी संगठन को, हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि हम जो है शांतिपूर्ण ढंग से कहीं भी अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। सरकार इस आंदोलन को दबाने में लगी हुई है। आप जान लीजिए कि सरकार आंदोलन को दबाने का प्रयास करी, कई तरह का चिट्ठी निकाल रही है। अभी तुरंत एक चिट्ठी सरकार निकाला है कि आंदोलन दब जाए, लेकिन इसके पहले भी सरकार ने कई चिट्ठियाँ निकाली, उससे कोई असर नहीं पड़ा, ना असर पड़ेगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं, सबके मन में ये बात बैठी हुई है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में कानून के द्वारा हमें अधिकार मिला हुआ है शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन करने का। सरकार चाहती है कि दमनात्मक रवैया अपना के इनको चींटी समझ के हम रौंद दें। सरकार समझती है कि हम हाथी हैं और हाथी जैसे चींटी को रौंदने का प्रयास करती है वैसे रौंद दें। लेकिन आपको हम बता दें कि कहीं भी ये कार्रवाई सरकार की फायदेमंद नहीं है सरकार के लिए। और जो इन लोगों की मांग है, ये लड़ाई नहीं है, ये इन लोगों की मांग है और इन लोगों की जायज मांग को सरकार को मानना होगा। सरकार यदि जायज मांग को नहीं मानती है तो सरकार शैक्षणिक वातावरण को बर्बाद करने का एक प्रोग्राम कर रही है। अभी देखिए, डोमिसाइल नीति लाने का जो पूरा हंगामा चल रहा है, हमारा कहना है कि आप डोमिसाइल नीति लाइए नहीं लाइए, ये आपका अपना इशू है। लेकिन आप जब कह रहे थे कल कि युवाओं को रोजगार देंगे बिहार को, दस लाख तेजस्वी जी ने कहा और नीतीश कुमार नहले पे दहला मार दिया जाके वहां पर गांधी मैदान से कि हम 20 लाख देंगे, 10 लाख के छोड़ दिए, हम बिहार के युवाओं को 20 लाख देंगे। तो आप जो है नहले पे दहला जब खेल रहे थे तब दिमाग में नहीं आया कि कैसे देंगे, आज जब रोजगार लेने की बात आई तब कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लगाएंगे। तो ये दुभाषीय बात जो है, ये दोहरी, ये दोगली नीति जो है, ये अपने आप में जो है कंट्रोवर्शियल नीति जो है, जनता को सब समझ में आ रहा है। जनता देख रही है हर हाल में जो इन लोगों का मांग है, सरकार से मांग है, जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं 4.5-5 लाख के करीब, आपने जब उनसे वादा किया तेजस्वी जी चुनाव के पहले, मैनिफेस्टो में करोड़ों करोड़ पेपर छपवा के आपने बटवाया, लाखों लाख मतलब आपने पोस्टर छपवाया और हजारों भाषणों में आपने कहा कि हम जो है चुनाव जीतने के बाद सारे नियोजित कर्मी को राजकर्मी का दर्जा देंगे। तो हम तेजस्वी जी से पूछना चाहते हैं कि आप क्यों नहीं दे रहे हैं? जब राजकर्मी का दर्जा देने की बात आई तब अंग्रेजी बतिया रहे हैं आप। आपके मुखिया जी, जो मुखिया जी बैठे हुए यहाँ पर नीतीश कुमार जी हमारे, आप मुखिया जी अलग नौटंकी कर रहे हैं। तो ये लोग मिल के चाहते हैं कि पूरा बिहार के शैक्षणिक वातावरण को हम बर्बाद कर दें और जो इनकी जायज मांग है, जायज मांग को हम नहीं माने, ये नहीं हो सकता। जान लीजिए, लंबे समय से इनको अनुभव है पढ़ाने का, आप इनसे डिपार्टमेंटल एग्जाम लेते तो बात समझ में आती, किसी को हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है, पूरे भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी नौकरी करने वाले को कहा गया है कि फिर से यदि आपको नौकरी करना है तो फिर से आप एग्जाम दीजिए, ऐसा नहीं है। और उसी विभाग में अभी देखिए कोर्ट में जजमेंट आया है, अभी कोर्ट में जज ने क्या कहा आप सुने, जज साहब ने कहा कि यदि आप राजकर्मी का दर्जा की मांग करते हैं तो उसके लिए हमारे पास आइए, हम आपकी बात को सुनेंगे। ये नहीं कहा कि हम नहीं सुनेंगे। और जो अभी खारिज हुआ है, जो अभी आप पहले अभी अखबार में देखे कि डोमिसाइल, ये जो नियमावली को खारिज करने की बात की गई है, सरकार ने कहा, देखिए सरकार एक कानून का कोर्ट एक कानून की तरह काम करती है, सरकार जो कानून लाती है और जो सरकार कोई भी काम करना चाहती है तो कोर्ट का एक भी दायरा है, कोर्ट अपने दायरे में काम करती है, ऐसा नहीं कि हमारी हर बात मान लेती है। यदि कोर्ट जो है, कोर्ट के सामने हम यदि अपना ये राजकर्मी का दर्जा की मांग करते हैं तो कोर्ट हमारी बात सुनने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं ये बात कोर्ट ने इंगित कर दिया है, कोर्ट ने भी सिग्नल दे दिया है कि सरकार से जो हमारी मांग है, राजकर्मी के दर्जे की मांग है, जो नियोजित शिक्षकों की राजकर्मी के दर्जे की मांग है, ये जायज मांग है
और आप जान लीजिए कि 13 तारीख को हम विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं और पूरी ताकत से घेराव करेंगे और सरकार को हम बताने का काम कर रहे हैं कि यदि आप विधानसभा घेराव के बाद भी नहीं मानेंगे हमारी बात को, आप शिक्षकों की बात को नहीं मानेंगे, तो आने वाला समय जो है आपके लिए अच्छा नहीं है। और पूरे आपने जो आपने मंत्री के माध्यम से पहले बीटेड सीटेड जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी थे, आपने सारे शिक्षक अभ्यर्थी को क्या बोला कि हम आप भाई बीटेड सीटेड जितना भी ट्रेनिंग जो आपने टेस्ट पैरामीटर बनाया था मेरिट लिस्ट में आएंगे, हम आपको एग्जाम देंगे। तो जब मेरिट लिस्ट में वो आ गए तो सॉरी नौकरी देंगे, तो आप नौकरी क्यों दे रहे हैं? अब नौकरी देने की बारी आई तो टहला रहे थे 4 साल से, आज अब टहलाते टहलाते एक ऐसा पोजीशन ला दिया, अब कह रहे हैं फिर से एग्जाम दिया। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, आप न्यूज़ चैनल से आए हैं, न्यूज़ नेशन है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप बताइए एक बात हमको कि सरकार ने जब दक्षता का एग्जाम लिया था कौन मना किया था कि आप फलाना सवाल मत पूछिए? सरकार ने जब बीटेड का एग्जाम लिया था कौन मना किया था आपको कि फलाना सवाल मत पूछिए? सरकार ने जब सीटेट का एग्जाम लिया कौन मना किया था आप ये सवाल मत पूछिए? सरकार ने जब एसटेट का एग्जाम लिया कौन मना किया था कि आप ये सवाल मत पूछिए? आज सभी तरह का एग्जाम लेके बीएड ये वो सब एग्जाम लेके आज सारे परीक्षार्थी जब पास हो गए, आपने कह दिया कि अब आप उसके लिए एलिजिबल हैं। कल तो आप ये भी कह सकते हैं कि बीपीएससी में फलाना सवाल हम नहीं पूछे थे, एक यूपीएससी के स्तर का एग्जाम ले लेते हैं। अरे भाई आप लीजिए ना, वेतनमान क्यों दे रहे हैं? आप केंद्रीय वेतनमान के तर्ज पे आप पैसा दीजिए ना, सब एग्जाम देने के लिए लोग तैयार हैं, दीजिए आप उनको, लेकिन आप वेतनमान देने के लिए तैयार नहीं है। आप 25 तरह के एग्जाम पर एग्जाम की केवल बात करते हैं, ये गलत बात है। क्या लगता है नीतीश कुमार की मंशा क्या है कि नियुक्ति ना हो बिहार में, या फिर उनका ये मंशा है कि ये मामला कोर्ट तक? देखिए उनकी पूरी तरह मामला है कि कोर्ट में मामला फंस जाए और हम लोग ये कहें कि भाई हम तो चाह रहे थे। अरे भाई आपकी चाहत कहाँ है? आपने जब कहा कि सारे नियोजित कर्मियों को हम राजकर्मी का दर्जा देंगे और उनको एग्जाम देने में, आपके मंत्री कह रहे हैं कि भाई जब पढ़े लिखे हैं तो एग्जाम देने में दिक्कत क्या है? हम जानना चाहते हैं कि 5.5 लाख नियोजित कर्मी हैं, आप 5.5 लाख वैकेंसी निकाले हैं, आप निकाले हैं 1,70,000 वैकेंसी, जब सारे नियोजित कर्मी वहाँ बैठ जाएंगे एग्जाम देने के लिए तभी उनको कितना सीट मिलेगा? तभी 1,17,000 मिलेगा, 1,70,000। आप ये सारे के सारे कर्मी जो हैं करीब करीब 5.5 लाख हैं, तो आप बताइए तो उनके लिए वैकेंसी निकालिए ना भाई, कहाँ मना कर रहे हैं कि हम एग्जाम नहीं देंगे? तो आप जो है समाज में बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अब बिहार में पढ़े लिखे लोग नहीं, बिहार में साइंस के लोग पढ़े लिखे कम हैं। अरे भाई बिहार में जब साइंस के पढ़े लिखे लोग कम हैं तो यहाँ कैसे IIT निकालते हैं लोग, कैसे यहाँ पर मतलब कि UPSC निकालते हैं? यहाँ तो पढ़े लिखे लोगों का खजाना है बिहार। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को हर हाल में इस बात को मान लेना चाहिए और आंदोलन को दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए और इंदिरा गांधी की तरह इमरजेंसी नहीं लगाना चाहिए। इंदिरा गांधी ने एक बार इमरजेंसी लगा के बिहार में देख लिया था, क्या हस हुआ था, और सरकार भी उसी तरह इमरजेंसी लगाने के मोड में है शिक्षकों पर। तो शिक्षकों पर इमरजेंसी लगाने के बाद जो हालात पैदा होंगे आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बीजेपी MLC जीवन कुमार का, जिन्होंने सरकार को चुनौती दिया है और कहा है कि आप जिस तरह से इमरजेंसी लगाने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में, तो आपने देखा है कि हश्र क्या हुआ है और आपका भी हश्र वही होगा। इस पर बस इतना ही, बने रहे न्यूज़ फोर नेशन के साथ, धन्यवाद।